नमस्कार। लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम ये कह सकते हैं चुनाव चाहे पंच का हो, सरपंच का हो या राष्ट्रपति पद का हो। इसी कड़ी में हमारे साथ गांव चांग के निवासी हैं जगत सिंह परमार। इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया है। हालांकि ये काफ़ी चुनौती भरा है, मुश्किल भरा है, क्योंकि लगभग 60 विधायक और 60 सांसदों के लिखित में हस्ताक्षर होना जरूरी है। हम इनसे आपको रूबरू कराएंगे। ये कब से चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, क्या करते हैं, कब से किस पद पर थे, सेवारत थे या नहीं थे, कोई डिपार्टमेंटली इनकी जॉब रही या नहीं रही, इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जगत सिंह परमार चांग गांव के हैं और इनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। जगत सिंह जी, स्वागत है आपका। आप बताएं थोड़ा सा, आपने बैठे राष्ट्रपति पद के लिए आपने नामांकन किया है, ये पहली बार किया है या पहले भी कभी किया? तीसरी बार कर रहे हैं जी। तीसरी बार कर रहे हो, पहले कब कब किया? पहले 2012 में जब रिटायर हुआ था, 29 फरवरी 2012 के बाद चुनाव आया तो मैंने राष्ट्रपति का पर्चा भरा जी। और उसके बाद 2017 में जब रामनाथ कोविंद जी बनाए और तीसरी बार मैं अब राष्ट्रपति का पर्चा भर का हूँ। आप पहले ये अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपने खुद के बारे में बताएं, आप क्या करते थे, क्या करते हो, परिवार में क्या करते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए आप क्यों मतलब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हो? मैं इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि मैं भी किसी माई के लाल ने सरस पर लगा था। मैं ये चाहता हूँ कि पहले किस जॉब में थे आप? मैं पहले UDC के पद पर था जी। कौन से डिपार्टमेंट? मैं 1975 के अंदर कुरुक्षेत्र लग गया था जी, मीटर रीडर। फिर उसके बाद चार चुराणों में हेड कैशियर बन गया और 18 साल के लगभग हेड कैशियरा भिवानी और सांदरवास बोंद और भिवानी, फिर 4 साल UDC आज। और यानी बिजली डिपार्टमेंट में, बिजली डिपार्टमेंट ने आपने सेवाएं दी है और अपर डिवीजन क्लर्क से आप रिटायर्ड हुए, ये कहना चाहते हैं। आपने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की क्या सोची? चुनाव तो आप और भी MLA के हैं, MP के हैं, पंच के हैं, सरपंच के हैं और किसी का भी लड़ा जा सकता है। यदि आपने राजनीति में आना है या राष्ट्रपति के लिए महामहिम राष्ट्रपति का पद एक गरिमा में पूर्ण कह सकते हैं, हम पूरा देश सम्मानित मानता है, तो आपको इस पद की तरफ जाने का मंशा क्या है, क्या चाहते हैं आप? मंशा ये है जी मेरी कि अगर मैं राष्ट्रपति बनया तो मैंने जो ये 68 पॉइंट लिखे मैं सत्य और निष्ठा से कहता हूँ कि मैं लागू करूँगा, जिससे कि हमारे बेरोजगार लड़के और लड़कियां जो कि रोजगार के हमारे दर दर भटक रहे हैं, मैं सभी हाथों को रोजगार दिलाऊंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे किसी धर्म जाति समुदाय के लोगों को मेरे शब्दों से हानि हो। मैं सभी धर्मों का आदर सत्कार करता हूं और जो भी इस हिंदुस्तान देश के अंदर भारत माता का अंजल खाकर पैदा हुआ है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सभी हिंदुस्तानी हैं और सभी को अपने भारतवर्ष देश से प्रेम होना चाहिए। भारतवर्ष का हर नागरिक इस देश के लिए कुर्बान देने के तैयार है। मैं भाजपा सरकार के पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तथा सभी पार्टियों के नेताओं से तथा 29 राज्य के लोग सभा तथा राज्यसभा के सदस्यों तथा MP तथा MLO से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मुझे अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर मुझे राष्ट्रपति बनाएं, ताकि मैं आप सभी के दुखों को दूर कर सकूं। अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं राष्ट्रपति बनने के बाद जो 68 पॉइंट लिखे हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 1972 का 10वीं पास हूं और आपको पता है बिजली डिपार्टमेंट में आपने सेवाएं दी है। हाँ जी। लेकिन आपको ये भी पता है राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने के लिए कम से कम 60 विधायक या 60 सांसदों के लिखित में हस्ताक्षर होने चाहिए। कहाँ कहाँ पर आप गए हो, क्या क्या आपको किस किस ने क्या क्या कहा, क्या रिस्पॉन्स मिला, कितने सांसद और विधायकों के पास आप पहुँच पाए हो अभी तक? मैं तो ये
पिछली बार तो कम से कम 250-300 एमपी और विधायकों के पास गया, मैं चंडीगढ़ गया, पंजाब की विधानसभा 250-300 जगत सिंह जी रुको, आप 250-300 सांसदों के पास आप गए हो, एमपी और विधायकों के, दोनों के पास, विधायक भी आ गए सांसद भी, तो आप आपकी जो पेंशन कितनी आती है, रिटायर्ड कितने हुए आप? मैं 37,000 रुपये पेंशन लेता हूँ। 37,500 में आप 250 के पास पहुँच गए? हाँ जी, मैं गया हूँ जी, दिल्ली भी गया, केजरीवाल साहब के पास भी गया। और किसने क्या क्या कहा आपको, क्या क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? आश्वासन दिया ये कि ये कहते हैं कि आप गरिमा की पोस्ट हैं, आप पंच सरपंच का चुनाव क्यों नहीं लड़ते। मैंने कहा कि पहले रामविलास शर्मा जी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्हें कहा कि आप पंच सरपंच का चुनाव क्यों नहीं लड़ते। मैंने कहा कि मेरी एज, मैं 68 साल और 5 महीने और 4 दिन का हो चुका हूँ, मेरी उम्र अब पंच के काबिल नहीं है। और जी ये जो फुटपाथ पर ये जो गरीब आदमी पड़े हैं, अगर प्रधानमंत्री या सारे MP MLA ये सोचते हैं कि ये भी तो भारत माता के बेटे हैं, ये दिन रात सड़कों पर सोते हैं, इनके लिए मैं कॉलोनी बनाऊंगा। क्योंकि आपने महामहिम राष्ट्रपति पद के अलावा कहाँ कहाँ नामांकन किया है, पहले किस किस पद के लिए आपने नामांकन किया? मैंने पहले 2012 में राष्ट्रपति का चुनाव, फिर उसके बाद दूसरा चुनाव राष्ट्रपति का आया तो उस समय भी, और फिर उसके बाद मैं सरदार शहर से विधायक का चुनाव लड़ू था, क्योंकि ID नहीं मिली मैंने। सरदार शहर में क्यों चुनाव लड़ रहे थे आप, तो भिवानी हरियाणा के हो? मैं हरियाणा का हूँ, तो वहाँ मैंने सरदार शहर के पास बुक्कलसर चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जमीन खरीदी हुई है, मैं वहाँ रहता हूँ जी, वहाँ मकान बनाया हुआ है और सारा काम कर रखा जी, मैंने खेती बाड़ी। यानी जहाँ मकान जमीन आपके वहाँ विधायक बनना चाहते हो आप? वहाँ भी वहाँ से चुनाव लड़ा था जी, लोग धोखा दे गए। कितने वोट मिले वहाँ पर आपको? वहाँ मेरा नामांकन पत्र रद्द कर दिया, क्योंकि लोगों में गाड़ी भी, चुनाव लड़ा नहीं, इसका मतलब लड़ा नहीं जी। उसके बाद फिर मैं लुनू भले जी, हम आपको वे ID दे देंगे और हरियाणा पुलिस के विधायक यदि आप नहीं बन पाए तो उसके बाद में MP का भी आपने भरा फार्म? हाँ, MP का भरा मैंने, फिर महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से निर्दलीय था, जो हेलीकॉप्टर का चिन्ह निशान था। कितने वोट मिले आपको? वोट उस टाइम तो अच्छे आए थे जी, टाइम नुकर रहे थे कि भाई लोग, मैं तो सारे डोर टू डोर घूमया जी, और मेरा भाषण भी गा। और ये है हमारे साथ जगत सिंह परमार, गांव चांग निवासी हैं, MLA का भी चुनाव लड़ा है इन्होंने, हालांकि नामांकन रद्द हो गया था सरदार शहर से। इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ा, शायद 200 वोट ये बता रहे हैं, ज्यादा कन्फर्म नहीं है। अभी राष्ट्रपति पद के लिए ये पिछले 2 योजना से अपना नामांकन भरते रहे हैं। हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मनसा होती है, सोच होती है, सपना होता है, इसी सपने के साथ जगत सिंह परमार भी चुनाव लड़ने की मनसा पाले हुए है, सपना बनाए हुए है, और ये सांसद और विधायकों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।